गाइस गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम से फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके इस अपने YouTube चैनल मेक मनी गुरु। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। ठीक है, बेसिकली दोनों का हम टारगेट देख लेंगे, बिटकॉइन एंड इथेरियम का एक्जैक्टली क्या टारगेट हो सकता है एज पर मंथली कैंडल के हिसाब से और वीकली कैंडल के हिसाब से। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट काफी पैराबोलिक हो चुका है करंटली। हम देख रहे कल के लास्ट वीडियो में बिटकॉइन लगभग परसों के लास्ट वीडियो की अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन तब उस टाइम 10,500 के अबव था, आज 11,000 के अबव है, ऑलमोस्ट 11,400-300 डॉलर को टेस्ट लिया है। क्या मूवमेंट हो सकता है एनुअल टाइम पर एज पर टेक्निकल एनालिसिस, रिवर्सल अगर मार्केट का होने का चांसेस है तो क्या हो सकता है, दोनों चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एज पर टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वन बाय वन जाकर हर एक चीज सीख सकते हो। प्लस पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस स्काइप ट्रेडिंग हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, क्लासेस काफी दिनों से स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मुझे पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पर आ रहा है। चलो डायरेक्टली टॉपिक पर मूव करते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास बिटकॉइन का। जहाँ पर बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो जो लेवल से वो मूवमेंट ले रहा है, अगर मैं पहले यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा तो वीकली चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे कि वीकली के अंदर मार्केट ने जो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बना था और वो हिसाब से मार्केट ने जो प्रीवियस वीक का कैंडल क्लोजिंग था 11,400 के हिसाब से क्लोजिंग किया। करंट वीक का कैंडल फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट दो दिन हो चुके हैं वीक का कैंडल स्टार्ट हो गए। फिलहाल जो माइनर रेजिस्टेंस की बात मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं 1600 या आप देख सकते हो तो 11,900 या 800 और तक मार्केट इजीली हिट हो सकता है। बट यहां पर अगर आप इसको मंथली कैंडल में एग्जॉस्ट करोगे तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में यहां पर ये आएगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंट लेवल है हाई रेजिस्टेंट लेवल वो हमको क्लियर दिख जाएगा, जो कि फिलहाल मेरे हिसाब से यहां पर है ऑलमोस्ट 13,000 ऑलमोस्ट आप 14,000 पकड़ के चल सकते हैं, यानी 13,300-200 डॉलर आप देख सकते हो मार्केट का 800 डॉलर का यहाँ पर रेजिस्टेंट लेवल है, यानी 13,800 डॉलर तक मार्केट में भी यहाँ से हिट लेगा। उसके बाद का मूवमेंट क्या रहेगा वो इस रेजिस्टेंट की जब ब्रेकआउट होगा तभी रहेगा, क्योंकि मार्केट में लो हाई पॉइंट तो बनता ही रहता है लेकिन हमको नॉर्मली जो मार्केट में हम लेवल्स देखते हैं वो क्लोजिंग एरिया देखते हैं मार्केट का, और जो क्लोजिंग कैंडल है हमारा वो यहाँ पर है। तो ये हिसाब से अगर हम बात करते हैं मंथ के कैंडल के हिसाब से तो ठीक है, जो हमारा प्रीवियस होल्डिंग था या जो प्रीवियस कैंडल था जो रेजिस्टेंट लेवल था हमारा वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका जो कि 10,300 डॉलर के आसपास तक का। अगर ये कैंडल मान के ये चलिए कि ये अगर मंथली कैंडल हमारा अगर पॉजिटिव वे में क्लोजिंग लेता है ऑलमोस्ट, अगर आज की डेट की हम बात करते हैं तो आज 25th है, ऑलमोस्ट यहाँ से 5 दिन रिमेनिंग है, ठीक है 5 से 6 दिन बाकी है अगर 31st का मंथ होगा तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर ये पॉजिटिव में क्लोज होता है तो गाइस अगला टारगेट जो है आपका 13,800 या ऑलमोस्ट 14,000 डॉलर, उसके लिए आप रेडी रह सकते हो। बट अगर वो टारगेट हिट नहीं होता है, मान के चलिए कैंडल अगर नेगेटिव वे में क्लोज लेता है, मान के ये चलते कि ये मंथली कैंडल है, अगर इस रेजिस्टेंट लेवल के बिलो जाकर ये क्लोजिंग लेता है, इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत हमको नेगेटिव या थोड़ा बहुत करेक्शन वापस पुल बैक देखने को मिल सकता है 9,300 डॉलर के आसपास तक। क्योंकि मंथ के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक हमारा रेजिस्टेंट लेवल था जिसने ब्रेकआउट किया है, करंटली मार्केट ने इस रेजिस्टेंट को ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहे हैं। अब ये हम ब्रेकआउट तभी कंफर्म मानेंगे जब मार्केट क्लोजिंग उस लेवल पे अबव रहता है, तो अगर वो क्लोजिंग उसके अबव क्लोज कर देता है पॉजिटिव वे में तो आपका नेक्स्ट मूव रेडी रहिए 13,800। बट अगर वो क्लोजिंग पॉजिटिव वे में मूव नहीं करता है तो मार्केट में भी वापस पुल बैक ले सकता है 9,300 डॉलर तक। दोनों कंडीशन इसलिए बता रहे क्योंकि दोनों चांसेस हो सकते हैं, अभी 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मार्केट का सेंटिमेंट चेंज भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी पैराबोलिक मूव ले सके। क्योंकि यहाँ से मतलब अगर मैं मंथ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट पिछले 5 मंथ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक पैराबोलिक मूवमेंट ले रहा है, यानी कंटिन्यू में मार्केट बुलिश कैंडल ही बना रहा है। भले मार्केट ने स्टार्टिंग में स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कैंडल बनाए लेकिन यहाँ पर जो कैंडल का साइज है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये कैंडल को क्लोजिंग लेना है मंथ के हिसाब से तो एटलीस्ट 11,800 डॉलर पर अगर ये क्लोजिंग पॉजिटिव में ले लेती है मंथ के हिसाब से तो गाइस अगला जो टारगेट है आपका 14,000 मेरे हिसाब से इजिली हिट होने को हमको देखने को मिल सकता है। अब मान के ये चलते कि अगर बिटकॉइन हमारा इतना हाई जाएगा तो हमारा इथेरियम का क्या होगा, देखिए ये मंथ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पहले कंडीशन बता चुका हूँ क्लोजिंग प्राइस हमेशा मैटर करेगा, तो इसको हम 1 तारीख को देखेंगे दोबारा कि क्लोजिंग किस तरह किया, कौन से वे में किया, पॉजिटिव वे में किया या नेगेटिव वे में किया, तो हिसाब से हमको उसमें आइडिया आ जाएगा। सेकंड चीज़ अगर यहाँ पर हमको फिबोनाची मंथली कैंडल में लगाना है तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मार्केट जो हमारा हिट होना है वो ऑलमोस्ट 15 गोल्डन रेशियो, जो कि
आपका 11,600 डॉलर के आसपास है, और जो रिजेक्शन लेवल जो सेकंड गोल्डन रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 13,700 डॉलर के आसपास है। तो वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको एस्पिरेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हो। आने वाले टाइम के अंदर और भी हमको क्लियर मार्केट में देखने को मिल जाएगा क्या हो सकता है। फिलहाल अगर मैं ETH की USDT में बात करता हूँ, अभी सतोशी में तो प्राइस कम हो रहा है, लेकिन हमने जिस टाइम परचेज किया था $80 पे, तो उस टाइम जो प्राइस चल रहा था इथेरियम का डॉलर के हिसाब से हमने बाय किया था, जहाँ पर $80 था प्राइस, और आज अगर देख रहे हो तो आई थिंक सो ऑलमोस्ट 310 या $320 शुरू है। तो देखिए स्टार्टिंग में बॉटम में परचेस करने का मीनिंग यही होता है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई इथेरियम अभी जीरो जाने वाला है, उस टाइम मैं बता रहा था कि जीरो तो पॉसिबल नहीं है, मे बी $80 से गिर के $50-$40 आ सकता है, लेकिन उतना जीरो पॉसिबल नहीं है। और अगर देखें तो मार्केट ने $80 पे बॉटम अपना बनाया था ETH का, और उसके बाद मार्केट अभी ऑलमोस्ट $320 पे आ चुका है। अभी आने वाले टाइम पे मेरा टारगेट क्या है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने पर्सनली बता चुका हूँ इथेरियम मैंने होल्ड किया हूँ, और इथेरियम में मैं क्या बिलीव करता हूँ क्या मेरा टारगेट हो सकता है, या अगर मुझे एग्जस्ट करना है तो मैं कहाँ पर अपना मार्केट को एग्जिस्ट करूँगा एज पर मंथली कैनल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली कैनल का लास्ट वीडियो ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर। बट मैं इथेरियम में हायर और लोअर प्राइस के हिसाब से दोनों चीज़ बताऊँगा आपको, यानी क्लोजिंग कैंडल को लेकर और उस चीज़ को लेकर, ठीक है। पहले टारगेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम की, तो ऑलमोस्ट $399 या $400 आप पकड़ के चल सकते हो। और सेकंड टारगेट की बात करते हैं, देखिए जैसा मतलब मेरा ये अजम्पशन है कि मार्केट 2-3 अगर क्रॉस करता है तो मार्केट एटलीस्ट 50 गोल्डन रेशियो तक हिट ही होता है, जो कि ऑलमोस्ट $750 का है। मान के ये चले कि अगर इथेरियम आपने $80 पे बॉटम में बाय किया है, तो आप उसको इजीली $750 पर एग्जॉस्ट कर सकते हैं, 50% एटलीस्ट आप अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। मेरा अगर पर्सनल टारगेट की बात करूँ तो मैं पर्सनल दो टारगेट है, एक तो मेरा 50 गोल्डन रेशियो है, अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल या रिजेक्शन मिलता है का सोच सकता हूं। सेकंड लेवल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर मेरा जो ऑलमोस्ट फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट $1,100 के आसपास है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की यहां पर अगर बात करूं इथेरियम की, मैं अगर आने वाले 2 या 3 साल की बात करूं, तो इथेरियम को ऑलमोस्ट मैं आने वाले 3 साल के अंदर अगर मैं देखना चाहूंगा, तो पहला जो टारगेट रह रहा है उसके लिए मेरा जो ऑलमोस्ट टारगेट रहेगा वो $2,200 है, और फाइनल टारगेट जहाँ पर अगर मुझे मान के ये चले कि अगर इथेरियम 2019 में या 20 में अगर ये लेवल पे हिट होता है, तो आई विल सोल्ड माई ऑल इथेरियम कॉइंस, बिकॉज ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहेगा अगर इथेरियम ऑलमोस्ट $3,000 पे हिट होता है तो। बट फिलहाल मार्केट लो लेवल पर है, मार्केट जब एक्चुअल बुल रन रहेगा, जब मार्केट $1 trillion के अबव जाएगा, बिटकॉइन का डोमिनेंस 40% तक मेरा एजम्पशन है आ जाएगा, तो इतना आप पकड़ के चल सकते हो कि आपका जो इथेरियम है वो ऑलमोस्ट $2,500 to $3,000 आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 2 साल से 3 साल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग 1 महीना 1.5 महीना पकड़ के चलेंगे, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आने वाले 3 या 4 महीने की बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप टारगेट यहाँ पर पकड़ के चले $700 या $750 का, जहाँ पर आप 50% अपना क्लोजिंग कर सकते हैं, जिसने $80 के आसपास अगर परचेस किया है रिकमेंडेशन के ऊपर तो। बट फिलहाल मार्केट का एक लेवल हमारे पास ये भी है, अगर ये लेवल एक बार ब्रेकआउट हो जाता है हमारा, जो कि ऑलमोस्ट $400 का है, तो इन शाह एनुअल टाइम के अंदर जो मार्केट का अगले लेवल से आपको वो भी हिट होने को देखने को मिल सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के वीडियोस आ सके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से कौन पर आप एनालिसिस देखना चाहते हो। जो कमेंट ज्यादा रहेंगे कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर फंडामेंटल टेक्निकल दोनों चीज अपडेट आपको दे सकूं, और आपको बता सकूं कि मार्केट के क्या होने के चांसेस है। प्लस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, और टेलीग्राम ट्रेडिंग में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सारे लिंक्स मिल जाएगा, जाकर एक बार नजर मार लो, और उस पर जाकर सभी फॉलो करो, कि वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फॉरेक्स के रिलेटेड या क्रिप्टो के रिलेटेड आइडियाज़ भी शेयर करें। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।